जीवन में तीन चीजें ध्यान रखिएगा, थॉट्स बिकम थिंग्स, जो आपके विचार हैं वो ही आपकी चीजों के रूप में आते हैं। आपके जितने भी विचार हैं, ये काम मैं कर रहा हूं, ये केवल पढ़ने वाली बात नहीं है, मैं अपने सारे क्लाइंट पे यूज करता हूं और ये बहुत ग्लोबल शास्त्र है, आज के टाइम में अपडेटेड शास्त्र है। मेटाफिजिक्स में अगर इसको लाया, और मैंने लाया भी है मेटाफिजिक्स में इसको, मेटाफिजिक्स में इसको लाने पर सर्टेनिटी आ जाती है, बिल्कुल निश्चितता आ जाती है उसमें कि ये हो नहीं होना है। व्हाट यू पुट योर अटेंशन ऑन ग्रोज स्ट्रॉन्गर इन लाइफ, जो भी आप अटेंशन जिस चीज पर देते हैं वो आपके लाइफ में पैदा होने लगे, बढ़ने लगता है। तीसरा है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इसका मतलब समझे। अच्छा, इसके बारे में कोई बताएंगे, पढ़ाई में तो आ रहा है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मींस ऊपर थॉट बिकम्स थिंग, थॉट बिकम्स थिंग्स, वहां से शुरू कर सकते हैं, बात तो वही है। इट हैज बीन रिपीटेडली आस्क्ड बाय द सेम वे, जो हम सोचते हैं वही हो जाता है, जो हम कंटिन्यूसली एक चीज सोचते रहते हैं वही चीज हो जाती है। जैसे हम व्रत रखते हैं कई लोग कि मेरा ये काम हो जाए, मैं 16 व्रत रखेंगे, तो 16 व्रत रखते रखते वही चीज क्योंकि बार बार सोचते हैं तो एक्चुअल में हो जाती है। व्हाट आई थिंक, तो पॉजिटिव थॉट्स अगर हम रखते हैं, बिल्कुल सही कहा, हमारे सराउंडिंग जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। बिल्कुल सही कहा, ये तो सदियों से हम पढ़ते आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखने से ये हो जाएगा, फिर पॉजिटिव ही रहना चाहिए, फिर हम ऐसे हो जाएंगे, हो क्यों नहीं पाते? मतलब मैं एक ग्लोबल क्वेश्चन है कि ये हो क्यों नहीं पाता है, ये सदियों से सभी कहते आ रहे हैं, सभी किताबों में भी है। हम एक बार कोई कोट पढ़ लेते हैं तो अरे कितनी अच्छी बात है, टच कर जाता है, मगर फिर उसको पलटा सोई कुछ और देखने लगे, हो क्यों नहीं पाते? उसका मैं एक रीजन समझता हूं कि क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो डूब जाता है, हमारा विश्वास टिका नहीं रहता वहां पे, जब हमारी फेथफुलनेस टुवर्ड्स दैट ऑलमाइटी शैटर्स बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो उस वजह से वो नेगेटिविटी हमें घेरती है, हम वो टेंशंस क्रिएट करते हैं फिर अपने आप में कि ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। हालांकि होता क्या है, जो आज का प्रतिकूल है वो कल का अनुकूल होने वाला है, अगर ये समझ लें तो वो टेंशन दूर हो जाती है और पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो ये मैं ये समझता हूं कि उस समय हमारा विश्वास यही होना चाहिए कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और होता भी ठीक के लिए है। महर्षि रमन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनके पास एक आदमी गए और उनको ज्ञान देने लगे कि शरीर तो कुछ है नहीं, आत्मा ही सब कुछ है, शरीर में क्या रखा है, शरीर में कहीं कुछ नहीं होता, आत्मा सब कुछ है, आत्मा आनंद है, परमात्मा है, जैसे जितना था वो देने लगे। वो बड़े प्रैक्टिकल टाइप के आदमी थे, वो ज्यादा सुनते सुनाते नहीं थे, उन्होंने एक ईंट उठाया उनके पैर पे मार दिया जो ज्ञान दे रहे थे, और वो चिल्ला के गाली गलौज करने लगा उनके साथ, नहीं शरीर है ही नहीं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। समझ रहे हैं? मैं एक जो फील करता हूं हमेशा उसकी बात है, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, इस सब्जेक्ट में पता होता नहीं है अधिकतर लोगों को। आपको बोला जाए ना दर्द तो आपको पता है, आपको बोला जाए ठंड तो पता है, गर्मी पता है, आपको बोल दूं आत्मा आप ब्लैंक हो गए। अब मैं आत्मा बोल के जो बोलना चाहूं सब बोल दूंगा, आपको पता ही नहीं है, उसका कोई बेस ही नहीं है, हवाई हवा में उड़ते जाओ, जो बोलना है बोलते जाओ उसके बारे में। अब जिसको जिसने चखा उसने निकाला उसको, किस किस ने क्या समझा इसके ऊपर है, किस किस ने उसको कैसे कैसे ले लिया। एक मेडिटेशन है, मेडिटेशन ध्यान इतनी छोटी सी बात है, उसको हम लोगों ने इतना करके बोला है। पशु और इंसान इसमें क्या अंतर है? है तो वो भी सारा कुछ वही करता है जो हम लोग करते हैं, कोई भी खाना भी खाता है और सारा कुछ है, संतति भी बढ़ाता है, सारी चीजें, क्या अंतर है दोनों में? जो बोल रहा हूं ना वो साइंस है, जब भी मैं किसी पे पॉइंट आउट करके बोलूं तो सारा कुछ लिखा हुआ है, वो बता दूंगा मैं, वो भी है, थॉट्स भी है उनमें, क्योंकि ये चूहे पे प्रयोग किया जा चुका है कि ये कैसे क्या है, बंदर पे प्रयोग किया जा चुका है, उसको केवल ये नहीं पता कि ये जो हाथ हिला रहे हैं वो मेरा है, उसको ये ध्यान नहीं है, आपको ये ध्यान है, ये हमारा स्वभाव है, जिसको हम बोलते हैं ना ध्यान स्वभाव है, हम बोलते हैं ना स्वयं में रहो, स्वभाव में रहो,
ये किसी को पता नहीं स्वभाव है क्या, कैसे रहो, हाँ बोल देते हैं स्वभाव में रहो, लिख देते हैं लिखा हुआ पढ़ लेते, ये हमारा स्वभाव है। कभी भी आप देखेंगे आप गुस्सा करके आप हंस के, हंसते हुए, हंसना तो अच्छी बात होती है ना, हंसते हुए अपने आप को 24 घंटे रख के देखिए, भारी हो जाएगा, चेहरा फट जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे हाँ बोझ हो जाएगा ना आपके ऊपर, 10-15-20 घंटे में ही ऐसा लगेगा ये क्या होने लगा। मगर शांत आप हमेशा रह सकते, बॉडी को, पूरे बॉडी को शांत रख सकते हैं, वो 24 घंटे रख सकते हैं, जीवन भर रख सकते हैं, अनादिकाल तक के लिए रख सकते हैं, वो स्वभाव है। उस शांति में फिर आपका अवेयरनेस जगता है, ये जो पता है ना कि ये मेरा हाथ है, ये हाथ में इतनी दवा में ही डालूंगा कि ये फूटे नहीं, ये मुझे पता है, जानवर को पता नहीं, किसी भी जानवर को ये पता नहीं है, किसी को ये पता नहीं है, कितना कर ले समझा दे उसको पता नहीं है कितने दबाव में ये हाथ रखना है कि ये फूटे नहीं, ये मुझे पता है। वो जो पता है ना वो ध्यान है, ये पता रहे कि हो क्या रहा है, ध्यान आया समझ में। इसके बारे में और किसी को बोलना है? जो जो विचार होते हैं वही रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाते हैं, हम गलत ना सोचें, अभी आपने लिखाया भी था, पर वो होता कैसे? मैं इसको एक, मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूं तो मैं उसी के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि जस्ट सपोज मेरे पास एक क्लाइंट आया और उसने लाइफ में खूब पैसा कमाया और वो चाहता था कि उसका एक अच्छा सा घर बने, तो उसने अपनी लाइफ में कई सारे घर देखे और उसके दिमाग में कुछ विचार इकट्ठे हुए कि मेरे घर ऐसा हो, उसमें एक स्विमिंग पूल हो, वहाँ बालकनी हो, तो वो ईस्ट फेसिंग हो, वो नॉर्थ फेसिंग हो, उसमें वास्तु भी लगे, सीढ़ी के बीच से लिफ्ट जाए या कुछ ऐसा हो, काफी विचार थे, वो आइडिया थे, घर नहीं था उसके पास। वो आया मेरे पास तो उसने मुझसे मीटिंग की और अपने दिमाग के विचार उसने मुझे बताए, वो सारे विचार मेरे दिमाग में आ गए, ट्रांसफर हो गए आकाश के थ्रू, फिर वो चला गया। मैंने बैठ के उस पर थोड़ा चिंतन किया, मनन किया और मैंने एक पेपर उठाया और मैंने एक स्केच बनाया। जो स्केच बनाया, जैसे ही मैंने पेंसिल चलाई तो वो जो विचार उसके दिमाग से मेरे दिमाग में आए थे वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो गए। वो स्केच बना, मैंने ऑफिस में दिया, मैंने कहा कि इसको डिजाइन को डेवलप करो, डिजाइन डेवलप हुआ, ड्राइंग्स बनी, स्टेजेस में अप्रूव हुआ, उसके बाद एक दिन सामान, ईंट पत्थर मंगाया गया और बनना शुरू हो गया, कुछ महीनों में बिल्डिंग तैयार हो गई। तो इस पूरी प्रोसेस में जो स्टार्टिंग हुई थी वो एक विचार सी तो थी जो क्लाइंट के दिमाग में आया था, मैं माध्यम बना और मेरे थ्रू वो बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई। तो सीख इसमें यही है कि जो हम सोचते हैं वही हो जाता है, और हम सोचते भी क्या, हम कुछ नहीं सोचते हैं, हम वो हैं जो जब से पैदा हुए हैं, जो देखते रहते हैं वही हैं हम, तो वही है, तो अच्छा सोचें। इसका एक सिंपल सा है, E=MC² पढ़ा होगा आप लोगों ने, जी जी थैंक यू, पढ़ें। E=MC² है, इसका जो हिंदी में जो मतलब है वो ये है कि ये जो ठोस है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस गति से घूम रहे हैं, इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि वो दिख नहीं पा रहे, जैसे पंखा चल रहा होता है और वो बीच की जगह दिख नहीं पाती है, तो इस गति से इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे करके घूम रहे हैं कि वो दिख नहीं पा रहे, और ये ठोस है, ये भी ठोस नहीं है उसके हिसाब से, E=MC². इसी तरह से विचार को ठोस होने में टाइम लगता है, उसको तेजी से घुमाना पड़ता है। अगर किसी को ठोस बनाना है, मैनिफेस्ट करना है, किसी विचार को मैनिफेस्टेशन में लाना है, किसी भी, आप विचारों के ही गुच्छा हैं, अभी मैनिफेस्टेशन में तो आप जी रहे हैं, दिन रात जो आपके साथ हो रहा है वो आपका ही थॉट है, आपका ही क्रिएशन है, जो आप उस क्रिएशन को जी रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। कौन से विचार को कैसे करेंगे, ये चीजें भी है हमारे पास, हमारे पास रास्ते नहीं है कि हम कैसे फिर उसको करें, पॉजिटिव थॉट में कैसे जाएं। हमारे पास ज्ञान बहुत होता है, ज्ञान जो है ना, हम ज्ञानी धरती से पैदा हुए यहीं पर, तो हमारे पास ज्ञान बहुत होता है, हमारे पास वो वाला ज्ञान होता है कि उसके अगेंस्ट में भी एक ज्ञान होता है। एक कहावत सर ने कही थी अभी, कोई एक कौन सी कही थी, मैं भी याद कर लूंगा, आपने कही थी ना, अनुकूल हो जाएगा प्रतिकूल, हाँ कल का अनुकूल हो जाएगा, तो इस टाइप की हम चीजें भी याद करते हैं, तो उससे क्या होता है ना, हम उसी में अपने आप को विश्वास दिला लेते हैं कि ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, हम उसके प्रति कुछ करते नहीं। अगर हमें एक ये मिल गया, एक फॉर्मूला ये वाला मिल गया, तो इसको करेंगे कैसे, इसके लिए कुछ नहीं है, कोई टूल नहीं है, कुछ नहीं है, इसके लिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन से ये पढ़ लेंगे, उसके बाद और
विचार ही पढ़ लेंगे और विचार ही पढ़ लेंगे उससे नहीं, उसके लिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन से फिर ये करते हैं, ये मैनिफेस्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है उसके लिए मेडिटेशन है, मेडिटेशन से ये मैनिफेस्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट है वो हम इसको ऐसा बनाते हैं जैसा चाहिए, लाइक अट्रैक्ट्स। आगे लीजिए, तो मैनिफेस्टेशन का हो गया पहले का, और लीजिए ये दूसरे का हो गया फोकस करना है, और ये तीसरे का हो गया। ये देखिए, पानी में अधिकतर पानी होता है, पहाड़ के पास आप अधिकतर पहाड़ देखेंगे, पेड़ के पास अधिकतर पेड़ देखेंगे। आप इसको ऐसा बनाते हैं जैसा चाहिए। अगर किसी को कार चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो ये उस हद तक इसको बना चुका होता है कि उसके जीवन में जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए जो भी चाहिए। मुझे एक आईपैड चाहिए, तो मैं पैड किन कौन कौन सी कंपनी का कैसा कैसा आ रहा है, कौन कौन से कलर का आ रहा है, सब मुझे पता चल जाएगा 15 दिन के अंदर, पड़ जाता है ना। कोई भी गाड़ी लेनी हो, कुछ भी आपको ऐसा ले, ड्रेस लेना हो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन कौन सी कंपनी ये डिलीवर कर रही है, सारा कुछ मालूम हो गया रहता है। ये दुनिया पहले से चल रही थी, आपको अब मालूम पड़ी है क्योंकि आपने उधर देखा, वो दुनिया पहले से चल रही थी। जब आपने उधर अटेंशन दिया तो वो दुनिया आपकी तरफ आ रही है। दुनिया है, आपको आपके लिए मैनिफेस्ट करने की जरूरत है नहीं किसी को कुछ भी, या मैनिफेस्ट पहले से हुआ पड़ा है। ये लाइक है, ये अट्रैक्ट करता है उसी लाइक को, पसंद पसंद को अट्रैक्ट करता है। जो आपका पसंद है उसको आप कीजिए हमेशा ही। आप जो भी लाइफ में जो जैसे मिलता होगा उसको देख लीजिए क्यों।